हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर एके सिंह और आज हम सीटेट के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। सीटेट का रिजल्ट क्यों डिले हो रहा है या फिर क्या कारण है जो सीटेट का रिजल्ट लेट हो रहा है या लेट अभी तक नहीं आया है। तो सबसे पहला कारण सीटेट का जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी वो थी 15 फरवरी 2022 को रिजल्ट आ जाएगा, पहली बात ये थी, ठीक है। पर उस दिन रिजल्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया, बहुत से कारण थे। अगर आपने देखा हो तो सीटेट की रिजल्ट ना आने का सबसे बड़े कारण अगर हम मेन लेके चले तो सबसे पहला कारण था इंग्लिश में पेपर सही होना और हिंदी में क्वेश्चन और आंसर का सही ना होना। तो यानी कि अगर हमारा जो बच्चों को, और एक चीज और मान लीजिए, अगर हमें आंसर की मिली भी है ऑप्शन नंबर, अगर हम पॉइंट टू लेके चले, जो ऑप्शन की मतलब आंसर की मिली है, तो आंसर की में क्या है उसमें क्या कहा है, इंग्लिश वाले जो ऑप्शन है वही सही माने हैं, हिंदी में ऑप्शन क्या है, आपने जब मैं पेपर करा रहा था देखा होगा कि इंग्लिश में आंसर दे रखा है 1, 3 और 4 सही दे रखा है, और अगर हिंदी में देखें तो वो 1, 3 और 4 कहीं है ही नहीं, इस तरह के भी ऑप्शन है, या फिर पैटर्न अलग है, रीअरेंज गलत है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है गलती है वो CBSE ने मानी है इस चीज़ को लेकर। क्या पता वो सभी के लिए फायदेमंद हो, बोनस मार्क्स हो, यानी कि बोनस मार्क्स के तौर पर सभी के लिए सभी को मिले वो मार्क्स, पहली चीज ये हो सकती है, इसलिए लेट हो रहा हूं। दूसरा है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बिल्कुल काम करा है, और कोई अगर ये कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है तो CBSE ने खुद कहा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा और होने का कारण बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आप देखें, हम लेके चले कि हमारे पेपर हुए हैं 16 से लेकर 21 जनवरी तक, 21 जनवरी तक पेपर हुए हैं, तो 21 जनवरी तक अगर पेपर हुए हैं तो मान लीजिए कि एक महीना पेपर चले, यानी कि 30 पेपर हुए, हम मोटा मोटा 30 ही लेके चले, 30 पेपर हुए, 30 दिन पेपर हुए, 30 दिन पेपर हुए, तो 30 पेपर हुए, 30 में से मान लीजिए 10 हार्ड है, 10 नॉर्मल है और 10 बिल्कुल ही क्या कहें, ना हार्ड है ना नॉर्मल है, बिल्कुल न्यूट्रल है। तो ये जो 30 है, अगर एक ही नॉर्मलाइजेशन नहीं करें तो फायदा किसे मिलेगा, इसे मिलेगा, इसे मिलेगा सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पर इन्हें कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, तो बच्चे क्या परेशान हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन करना महत्वपूर्ण है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा, इसलिए लेट हुआ है। फिर कारण ये रहा, अगर CBSE ने रिजल्ट डाल भी दिया होगा तो कारण आपको पता चलेगा, नॉर्मलाइजेशन तो हो गया। अगर कोई ये सोच के बैठा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो इस वजह से लेट हुआ है। फिर जो आपको बताया कि क्वेश्चन का गलत है, फिर आते हैं मीडियम, मीडियम वाली बात जो है, यानी कि हिंदी में क्वेश्चन कुछ और है, इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और है, यानी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हो गया लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो बहुत सारे कारण हैं कि रिजल्ट ना आने की। एक डेट थी 15 तारीख, तो एक डेट थी 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी को हमने पूरे दिन इंतजार किया, रिजल्ट नहीं आया। पर अगर हम अगली डेट लेके चले तो यानी कि है कल, क्या है कल, है कल है 21 तारीख,
21 फरवरी को रिजल्ट आने की संभावना है, संभावना है। ये बात बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर 15 तारीख से लेके चले 16 हो गई, 17 हो गई, और सैटरडे संडे को ज़्यादातर जो दिल्ली के ऑफिस हैं या दिल्ली के जो ऑफिस हैं वो वर्किंग नहीं होते, तो इसलिए सैटरडे संडे यानी कि 19 और 20 को तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। तो ये जो 16 17 18 वाली बात है, इसमें से हम ऑफ लेके चलेंगे। इसमें से शायद से एक दिन 17 या 16 की छुट्टी थी, तो 2 दिन ही मान लीजिए। तो 21 तारीख को रिजल्ट आने के चांस है। और सी टेट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सी टेट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? सी टेट का ट्रैक रिकॉर्ड है रिजल्ट के मामले में, वो है मॉर्निंग में, यानी कि मॉर्निंग में ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी कि आपने 2011 से लेकर अभी तक जो जितने भी रिजल्ट हैं वो मॉर्निंग में मिले होंगे आपको, और मॉर्निंग में भी 1 या 2 बजे तक आपको रिजल्ट मिल गया होगा। तो इसलिए सुबह ही आएगा रिजल्ट, और आप टेंशन ना लें। अगर आप इस बार क्वालिफाई नहीं करते तो क्या नाम, आप अगली बार तैयारी करें, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा सा पैटर्न ही नहीं था, कोई भी नॉर्मलाइजेशन का नहीं था। और इस बार जब भी पहली बार पेपर होता है किसी भी नए पैटर्न से, तो गलती होना स्वाभाविक है। और पर सी टैट इतनी बड़ी संस्था है, और इतनी बड़ी संस्था होने के बाद भी इस तरह गलती कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। तो परेशान ना हो, और जो भी होगा अच्छा होगा, आप अपने रिजल्ट पर देखें और अपनी तैयारी, नेक्स्ट तैयारी रखें। तो रिजल्ट के बारे में आप कंफ्यूजन जो थी वो मैंने बता दी, और किस वजह से रिजल्ट डेट हो रहा तो आइए भी आपको पता चलता है, पता चल गया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, क्योंकि जिससे रिजल्ट के जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए और रिजल्ट का पता चल जाए। ठीक है बच्चों।